श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में विकेटों के सूखे से गुजर रहे भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी मैच में अपना दमखम दिखाया और शानदार प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर ने मैच में 42 रन देकर 5 विकेट झटके और उन्हें बेहतरीन खेल के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। शानदार प्रदर्शन के बाद भुवनेश्वर ने भी माना कि भले ही उन्हें सीरीज के शुरुआती मैचों में विकेट ना मिले हों, लेकिन उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। भुवनेश्वर ने कहा, मुझे शुरुआती मैचों में विकेट नहीं मिल रहे थे, हालांकि मैं अच्छी गेंदबाजी कर रहा था। आखिरी मैच में मैंने जिस तरह की गेंदबाजी की, मैं उससे काफी खुश हूँ। भुवनेश्वर ने खुलासा करते हुए कहा कि हमें उनकी कमजोरियों का पता था। वो धीमी गेंदों को सही तरीके से नहीं खेल पा रहे थे और सीरीज के लगभग हर मैच में ये देखने को मिला। मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहता था, मैं हर मौके को भुनाना चाहता था। मैं चाहता हूं कि जब भी मुझे मौका मिले, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकूं। मैं अपनी टीम के लिए शानदार खेल दिखाना चाहता हूं। टीम के लिए अच्छा खेलने में बेहद खुशी होती है और आपके प्रदर्शन से अगर टीम को जीत मिलती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। श्रीलंका के खिलाफ शुरुआती 4 मैचों में भुवनेश्वर कुमार कुछ खास नहीं कर पाए थे। उन्हें शुरुआती 4 मैचों में एक भी विकेट नहीं मिला। हालांकि आखिरी मैच में उन्होंने अपना दमखम दिखाया और वनडे करियर में पहली बार 5 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।